लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 4 जून को भारत की जनता अपनी सरकार और मुखिया को चुनेगी। ऐसे में रैली के साथ ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिए हैं, पर बीजेपी ने अब तक अपना मैनिफेस्टो नहीं निकाला है। लेकिन इसे लेकर 4 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की 27 मेंबर्स के साथ दूसरी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 27 सदस्यों के साथ बैठक शुरू हुई। इस बैठक के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी अगले सप्ताह अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। लेकिन इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या खास रहने वाला है? तो पहले आपको ये बता दें कि बीजेपी का मैनिफेस्टो इस बार थोड़ा अलग रहने वाला है। अलग इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 का खात्मा वादों की सूची में नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने इन दोनों मुद्दों को पूरा करके दिखाया है। इसी साल जनवरी में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और काफी बड़े स्तर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी किया गया, जिसमें देश के कई दिग्गज शामिल हुए। साथ ही धारा 370 का मुद्दा भी अब सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या खास हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी का पूरा फोकस ज्ञान पर हो सकता है। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। पीएम मोदी ने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि भारत में सिर्फ 4 जातियां हैं, वो है गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। बजट 2024 में भी इन 4 मुद्दों पर सरकार का ज्यादा फोकस था। तो लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी इन 4 वर्गों के लिए अपने मैनिफेस्टो में बड़े वादे कर सकती है। इसके अलावा घोषणा पत्र में विकसित भारत 2047 और मोदी की गारंटी पर भी पूरा फोकस रहेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैनिफेस्टो में इन 4 वर्ग के लिए क्या खास हो सकता है। देश में किसान लंबे समय से एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और पेंशन के लिए मांग कर रहे थे। इसे लेकर किसानों ने प्रदर्शन भी किए। बीजेपी इस मुद्दे का तोड़ निकालने के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करने का वादा कर सकती है। इसके अलावा बजट में महिलाओं के लिए लखपति दीदी जैसी योजनाओं का ऐलान किया गया था। पीएम मोदी ने 2023 में ही इसके बारे में बात की थी और महिलाओं के लिए ऐसे ही वादे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। युवा वर्ग की बात करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए संकल्प लेने की बात होगी। साथ ही 5 साल में निकाले जाने वाली भर्तियों का भी संकल्प में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी के मैनिफेस्टो में गरीब तबके के लोगों के लिए भी पूरा फोकस रहेगा। बहरहाल पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार का टारगेट सेट कर चुका है। अब की बार 400 पार, ये नारा सड़क से संसद तक हर जगह सुनाई दे रहा है। विपक्ष भी इंडिया अलायंस के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है। इस बार विपक्ष एक साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देने का दावा भी कर रहे हैं और हाल ही में तो कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। खैर, विपक्ष के ये दावे कितने सच होंगे ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, जब लोकसभा चुनावों का फैसला पूरे देश के सामने आएगा और ये पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना पीएम चुना है।